अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनी क्वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 30, इंडक्शन एंड इंडक्टेंस, प्रॉब्लम 56। फिक दे दी गई है 30.63। वो कहता है कि जी 25 टर्न्स हैं जिसमें बैटरी आपके पास 16 वोल्ट की लगी हुई है। इंडक्टर के अंदर फ्लक्स वर्सेस टाइम आई का ग्राफ दिखा दिया गया है। फ्लक्स की वैल्यू वो कह रहा है 4 × 10⁻⁴ टेस्ला मीटर स्क्वायर है। करंट आपके पास 2 एम्पेयर का पीक वैल्यू दिखाई गई है। वो कहता है जब स्विच क्लोज होता है तो डीआई ओवर डीटी बताओ, जब आपके पास टी बराबर होगा 1.5 टीएल के। अब अगर हम इस ग्राफ से स्लोप निकाल लें तो वो 2 × 10⁻⁴ आ जाएगी। अब अगर हम इंडक्टेंस की वैल्यू देखें तो एन फाइव एल आई आ जाएगा, तो वो वैल्यूज हम इसमें प्लेस कर सकते हैं, तो वो आपके पास 5 × 10⁻³ हेनरी की इंडक्टेंस आ जाएगी। एल की वैल्यू पता लग गई। अब हम जानते हैं कि जब हम स्विच के साथ इसे क्लोज करते हैं तो करंट में जो चेंज आती है तो वो एल इज इक्वल टू डी आई ओवर डी टी प्लस आर आई इंटू वी। अब आई की जो चेंज है वो तो हम निकाल सकते हैं, आई नॉट के साथ इंडक्टर में जो चेंज, और आई नॉट की जगह वी आर लगाया जा सकता है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया कि आई इस जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे वी एल है, ये फैक्टर दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, और आई की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। आर आर से कट जाएगा, वी ओवर एल कॉमन ले लेंगे, 1 1 से कट जाएगा, तो ये फैक्टर आ गया। अब हमें वोल्ट भी दिए हुए हैं, इंडक्टेंस भी पता है, टी ओवर टी एल उसने बता दिया था कि इसकी ये 1.5 के बराबर है, तो वो 1.5 लगाया जा सकता है। फिर अब आपके पास सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 7.1 × 10⁻² एम्पीयर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।